मालूम स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे टीवीएस सब्जेक्ट। इसमें हमारा टॉपिक है आज माय स्कूल। माय स्कूल मीन्स मेरा स्कूल। आपके स्कूल के बारे में, आपने स्कूल देखा है, आप जाते हैं, स्टडी करते हैं, है ना, अच्छे से जानते हैं आप स्कूल को। तो हम हमारा आज टॉपिक है माय स्कूल, स्कूल के बारे में है। सबसे पहले हम देखेंगे माय स्कूल में कौन होता है, प्रिंसिपल। हमारे स्कूल में कौन होते हैं, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आप जानते हैं, जो हमारे स्कूल के हेड ऑफिस होता है, वहां पे प्रिंसिपल एक रूम होता है, वहां हमारे प्रिंसिपल बैठते हैं और स्कूल का ऑल वर्क कौन करता है, हमारे प्रिंसिपल करते हैं। ओके, सेकंड हम देखेंगे टीचर। टीचर आप जानते हैं, टीचर कौन होती है, जो हमको टीच करके पढ़ाती है। टीचर कौन है, जो हमें पढ़ाती है। ओके, आप जानते हैं टीचर, आपको मैम पढ़ाती है। बहुत सी मैम हमारे स्कूल में है, वो क्या है, टीचर है, उनको क्या बोलते हैं, टीचर। ओके, थर्ड हमारे टॉपिक इसमें देखेंगे लाइब्रेरी। स्कूल में बड़े बड़े स्कूल होते हैं, लाइब्रेरी होती है, हमारे स्कूल में भी है लाइब्रेरी, जहाँ पे बुक्स होती है, कई तरह की बुक्स होती है, स्टोरी बुक होती है, और अपनी क्लास की जो होती है वो बुक्स होती है, वो से क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी, जहाँ पे बच्चे जाके अपने स्कूल के मैटर से रिलेशन, जो आप क्लास में पढ़ते हैं उससे रिलेटेड आप कोई टॉपिक देख सकते हैं, वहां रीड कर सकते हैं, वहां बैठ के वहां से बुक आप परचेज करेंगे और उसको देखेंगे, वो दिए लाइब्रेरी। फोर्थ टॉपिक देखेंगे हम स्वीपर। स्वीपर आप जानते हो, स्वीपर किसे कहते हैं, जो सफाई करते हैं। आपके स्कूल में भी स्वीपर है, जो सफाई करते हैं, आंटी होती है, उन्हें आंटी बोलते हैं। जो हमारे स्कूल में झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, वो क्या होती है, स्वीपर। फिफ्थ हम देखेंगे कैंटीन। कैंटीन भी आप जानते हैं, हमारे स्कूल में कैंटीन है, जहाँ पे हमें जब हमारा लंच होता है तो फूड आइटम मिलते हैं वहां पे, उस जगह को क्या बोलते हैं, कैंटीन। सिक्स टॉपिक देखेंगे क्लासरूम। क्लासरूम कौन सा होता है, आपकी क्लास होती है, जहाँ पे क्लास के स्टूडेंट होते हैं, स्टडी करते हैं, वो क्या होती है, क्लासरूम। एक रूम होता है, वहां ऑल स्टूडेंट बैठते हैं, जहां पर टीचर पढ़ाती है, वो होती है क्लासरूम, रूम में। सेवन देखेंगे हम प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड होता है, जहां पे खेलते हैं सभी बच्चे, प्ले करते हैं, गेम खेलते हैं, वो बड़ा सा ग्राउंड होता है, उसे क्या बोलते हैं, प्लेग्राउंड। ओके, एक बार और हम देखेंगे माय स्कूल। स्कूल के बारे में हम देखेंगे, स्कूल में होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल होते हैं हमारे, हमें किसी भी चीज की परमिशन लेनी होती है, तो किससे परमिशन लेंगे हम, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल से। सेकंड हो गया टीचर। टीचर होती है, जो हमको स्टडी करवाती है, टीच करती है, पढ़ाती है हमको, हमें सभी चीजों की जानकारी देती है, वो होती है टीचर। सेकंड थर्ड हम देखेंगे लाइब्रेरी। लाइब्रेरी वो जरूर होती है, जहाँ पे सभी तरह की बुक्स होती है, हर तरह की बुक्स होती है, और हमको किसी भी मैटर में कोई जानकारी लेनी हो तो हम लाइब्रेरी में जाते हैं और उससे रिलेटेड बुक्स निकाल के हम उसके बारे में जानकारी लेते हैं, वो जगह क्या कहलाती है, लाइब्रेरी। फोर्थ हम देखेंगे स्वीपर। स्वीपर आप जानते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई गंदगी होती है, वॉशरूम जाना होता है, ड्रिंकिंग वाटर आपको करना होता है, तो आप किसको बोलते हैं, स्वीपर को बोलते हैं, जो साफ सफाई करते हैं, आंटी यहाँ पे गंदगी हो गई है बोलते हैं ना, तो आंटी को आप बोल के आते हो, आंटी फिर उसको क्लीन करती है, वो कौन करता है, स्वीपर करते हैं। फिफ्थ टॉपिक हम देखेंगे कैंटीन। कैंटीन वो जगह होती है, जहाँ पे हमारे लंच करते हैं, बैठ के टेबल चेयर होती है, और फूड आइटम जहाँ हम परचेज भी कर सकते हैं, जैसे बाहर के आइटम भी आते हैं, चॉकलेट, टॉफी, समोसा, पिज्जा, पेडीज, जो आप खाते हैं ना फास्ट फूड, आइटम कैंटीन ही मिलता है, उसी जगह को क्या बोलते हैं, कैंटीन बोलते हैं। सिक्स टॉपिक है हमारा क्लासरूम। क्लासरूम आप जाते हैं, हम स्टडी करते हैं, बैठते हैं, ऑल स्टूडेंट हमारे क्लास के होते हैं, वो होता है क्लासरूम। सेवन टॉपिक है हमारा प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड वह जगह होती है, बड़ा सा ग्राउंड होता है, जहाँ पे आप प्ले करते हैं, गेम खेलते हैं, आपके टीचर आपको गेम करवाते हैं, वह जगह क्या कहलाती है, प्ले ग्राउंड। ओके, आपको समझ में आ गया होगा आपके स्कूल के बारे में है, कि आपके स्कूल में क्या क्या होता है, आप अच्छे से इसको स्टडी करिएगा, आपके पास बुक भी है, बुक में भी आप अच्छे से इसको रीड करिएगा और इसे लर्न करिएगा। ओके, थैंक यू।